सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे कि सभी भाइयों को पता है कि फाइनल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हमारे कुछ भाई लोग हैं, वो अपना जो आपका बेसिक बनता है और क्या कहते हैं आपका रिट्रेचमेंट बनता है 15 दिन का, और आपका एक्यूरेसी बनता है, उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज नहीं है कि कैसे बनता है। तो वो बोले कि भाई जी हमारा 6,000 ज़्यादा आना चाहिए था, 7,000 ज़्यादा आना चाहिए था। तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम उनको फॉर्मूला सहित सारा प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे कैसे आपने अपना 15 दिन का रिट्रेचमेंट निकालना है और 39 दिन का एक्सपीरियंस निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं कि कैसे 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 होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हमने इसमें फोकस करो है। अब देखो शाहरुख खाली है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसके एग्जांपल के तौर पे आप सबका निकाल देना। शाहरुख खाली से हमने 3 महीने जो लास्ट आपने काम किया है 3 महीनों का, ठीक है, जब आपकी छठी नहीं हुई है, ठीक है, जैसे इसने काम किया था आपका लास्ट 3 महीने आपका मार्च अप्रैल मई, ठीक है, तो इसकी 3 महीने की बेसिक सैलरी निकाली हमने। बेसिक देखो कितना है, बेसिक में आपका ओवर टाइम ऐड नहीं होगा पहली बात। तो इसमें देखिए भाई जी, इसमें इसका देखो बेसिक कितना है, शाहरुख अली, ऊपर नाम पढ़े पहले शाहरुख अली, ठीक है। अब इस हमने केवल बेसिक देखना है, बेसिक कितना है इसका बन रखा 14,725, ये आपका आ गया मार्च का 14,725, ठीक है। अब लेना है अप्रैल का, अब देखिए इसका अप्रैल का लेते हैं, ये आ गया अप्रैल की इसकी पे स्लिप। अप्रैल में इसका बेसिक बना है 14,640 केवल बेसिक, ठीक है, इसमें टर्न अलाउंस ऐड नहीं होता है बेसिक में, वो अलग से ऐड करेंगे। अब आपका आ गया मई का, ठीक है, मई में देखिए आपका इसका बना है 15,250, ये आ गया आपका लास्ट 3 मंथ्स वर्किंग के, जब आपकी छटनी हुई है उसका एवरेज, उसका टोटल आ गया आपका 44,615, ठीक है, ये देखिए 44,615। अब एवरेज कैसे निकालते हैं 3 महीने का, जैसे आपको बोला है 3 महीने, यानी कि सीधा सीधा 3 महीनों का क्या होगा भाग। अब 44,615 में 3 महीने का भाग करेंगे तो आपका एवरेज, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है एवरेज आ गया आपका, इसमें फोकस कर दीजिए, एवरेज आ गया आपका 14,871, ठीक है, ये आपकी 3 महीने की सैलरी एवरेज, ये बन गया आपका केवल बेसिक है, ये है आपका केवल बेसिक है, ये केवल बेसिक है। अब हमने इसी में क्या करना है, टर्न अलाउंस का ऐड करना है इसमें। अब निकालते टर्न अलाउंस, ठीक है, अब टर्न अलाउंस ऐसे निकालना है, देखो 3 महीने का बेसिक शुरू से करेंगे, ये आ जाइए इसमें, देखो मार्च में टर्न अलाउंस कितना मिला इनको 3,068, यहाँ पे देखिए 3,068, ठीक है। अप्रैल में देखेंगे टर्न अलाउंस कितना बना इनका, अप्रैल में इनका बना 2,898, यानी कि 2,898, ये देखिए चेक भी करते रहिए अप्रैल का, ठीक है। अब देखिए आप आ गया आपका मई का, मई में बना इनका 2,196, तो आ गया आपका टोटल कितना आ गया आपका 8,162, ठीक है, 3 महीने का। अब एवरेज जैसे हमने बोला था कि एवरेज 3 महीने का निकालते, 3 महीने का भाग देते हैं, तो 8,162 में आपने 3,000 का भाग दिया, आपका निकल गया 2,720, यानी कि यह आपका निकल गया 2,720 3 महीने का एवरेज, ये देखिए एवरेज लिखा है टनल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, नई शीट लेते हैं इसी में कर दूँ। अब देखिए रिट्रेंचमेंट का क्या रूल होता है आपका, रिट्रेंचमेंट का जो रूल होता है ना, उसमें आपका बेसिक प्लस टर्न अलाउंस TA जोड़ा जाता है, ठीक है, बेसिक लिख दे तो हिंदी में तो समझ आएगा, बेसिक ना कुछ लोग नहीं समझते ना अलाउंस, ठीक है, टर्न अलाउंस, ठीक है, इसमें ये आपका ऐड होता है बेसिक में। लेकिन इसमें आपका दो चीज ऐड हो गई, लेकिन आपका एक्स ग्रेसिया में क्या होता है, एक्स ग्रेसिया में क्या होता है, केवल आपका बेसिक के हिसाब से बनता है आपका, ठीक है, बेसिक, इसमें आपका टर्न अलाउंस नहीं होता, ठीक है, टर्न अलाउंस आपको ऊपर मिल गया, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब रिट्रेचमेंट निकालते हैं कितने दिन का होता है, एक साल में 15 दिन, ठीक है, और एक्स ग्रेसिया क्या होता है, एक साल में जो हमारी डील हुई है वो ही है 39 दिन, ठीक है, ये अंतर साफ होना। अब इसका अब देखो शाहरुख अली का हमको निकालना है क्या,
एक साल का 15 दिन का रिट्रेचमेंट कितना हो रहा है। तो हमने इसकी बेसिक प्लस टी ए निकाल दी। पहले बेसिक कितना था इसका, बेसिक था आपका 14,871 और टी ए क्या बना था 3 महीने का, ये चेक करते हैं 8,162। ठीक है, अब दोनों को जोड़ के क्या बना था बेसिक प्लस टी ए, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था बेसिक प्लस टी ए कितना बना था आपका 17,591। तो आपका ये आ गया 17,591। ठीक है, ये आ गया। अब गुणा करेंगे इसको कितने दिन से, नहीं भागा करेंगे इसको, ये भागा होता है आपका 26 दिन से। ठीक है, 26 दिन से भागा करेंगे यानी कि एक दिन की दिहाड़ी आएगी। रोहन भाई जरा कैलकुलेटर निकालना, 17,591 ठीक है, इसमें भागा होगा 26 से और इसमें भागा होगा आपका 30 दिन से, एक्स रेशियो में 30 दिन का भागा होता है। ठीक है, ये याद रखना, भागा 26 ये, हाँ ये हो गया 676 रुपये। ये आपका आप एक दिन की दिहाड़ी आ गई 676 दिन। ठीक है, यानी कि एक दिन का वेजेस वेजेस आ गया आपका 676 दिन। ठीक है, यानी कि 15 दिन का कितना होगा, तो 676 गुणा आ गया आपका 15 दिन। कैलकुलेटर दिखा जरा कितना आ रहा है, 600 सीधे में दिल को ना वहाँ पे दिखेगा 676 × 15 है 10,140। ठीक है, एक बार चेक साल होंगे जितने। ठीक है, अब इनका कितने साल का था, शाहरुख अली का कितने साल का था, दो साल का था। अब इनका इनके साल थे दो, शाहरुख अली के साल थे दो, तो दो साल कितना होगा 10,140 गुणा गए दो कितना आया 20,280। ये तो आपको मिल गया दो साल का रिट्रेचमेंट 20,280। ठीक है, शाहरुख अली को इतना मिल रखा होगा, चेक कर लेना शाहरुख भाई तुम्हारे इसमें हमने देख दिया है सही मिल रखा है 20,280। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, चूंकि आपके साल दो थे, ठीक है वो चेक करते हैं टोटल जो निकला उसमें दो का गुणा करके 20,280। अब आ जाते हैं एक्स ग्रेशिया में, जैसे कि एक्स ग्रेशिया में आपको बताया था हमने उसमें टनल अलाउंस काउंट नहीं होता, केवल आपकी बेसिक काउंट होती है। तो बेसिक आपकी कितनी निकली थी एवरेज 14,871 ना, तो 14,871 देखिए 14,871 भागा 30 तो आपकी आएगी दिहाड़ी एक दिन की, एक दिन की दिहाड़ी निकालना जरा 495 दिखाओ जरा वो दिखाओ ना 495 पॉइंट सेवन ले लो। ठीक है, ये आपका आ गया एक दिन की दिहाड़ी। ठीक है, एक दिन की दिहाड़ी आ गई। ठीक है, आप इसको करेंगे आपका कितने दिन से गुणा 39, हमको कितना 39 दिन का बेनिफिट मिला है ना 39 डेज का, तो 495.7 गुणा आ गया आपका 39 दिन कितना आया 19,332। ठीक है, ये तो आ गया आपका एक साल का, एक गुणा दो कर दो साल का। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है इनको दो साल का बेनिफिट मिलना है, तो दो साल का बेनिफिट दो साल का लाभ हो गया आपका देखिए 19,332 गुणा के दो कितना हुआ 38,664 रुपये। ठीक है, ये आपको आ गया दो साल का लाभ, इतना आपको दो साल का लाभ मिल रखा होगा। ये है एक्सग्रेसिया, ये हो गया एक्सग्रेसिया आपका। जैसे मैंने बताया था रिट्रेचमेंट में बेसिक प्लस टी ए होता है, ठीक है, और एक्सग्रेसिया में बेसिक प्लस टी ए नहीं होता है। 38,400 इनका आ रखा है, ठीक है, और ये रिट्रेचमेंट का 20,200 कितना निकाला था हमने 280 पॉइंट का है, तो 296 कर दे रखा आपको, मतलब बढ़ा के मिलेगा घटा के नहीं मिलेगा कंपनी द्वारा। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक बार आपको फोटो भी खींच के दे देंगे और वीडियो बना के आपको दे दी है, जहाँ पे दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में आप एक बार दोबारा देखना वीडियो, दोबारा समझ जाएगा, तीसरी बार भी देखना वीडियो, इसकी फोटो भी भेजते हैं।